इसमें आप समझ सकते हैं जैसे यू शेप में वेल हो, नीचे से त्रिकोण हो, तो हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं चाहे सॉलिड वर्क हो चाहे और चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो। अगला आता है इमेंटली वेल्ड ऑफ ए सिंबल, बोलते सिंगल सिंगल जे ग्रो ऑफ ए वेल्ड, जिसमें जे शेप का वेल्ड का सिंबल बना हो, वेल्ड का सिंबल जिसमें वेल्ड भरी जाए, जे प्रकार का बना हो, उसी को हम पूरा वेल्ड कर दे या कप जैसे निशान बताओ, तो उसी को हम बोलते हैं जे ग्रिप वेल्ड। अगला आता है बैंकिंग वेल्ड, मतलब दोनों साइड से वेल्ड करना है, नीचे से भी ऊपर से भी। मान लो नीचे से ग्रीस वेल्ड करनी है, गैस वेल्ड करनी है, ऊपर से हाथ वाली वेल्डिंग करनी है। जो जो ऊपर वाली वेल्डिंग है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जो जी जिसको नोट करते हैं हाफ हाफ, तो हाफ द सर्कल लगा के हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। अगला है एस्ट्रम इमेंटली वेल्ड का सिंबल, सबसे मेन वेल्ड होती है फिलेट वेल्ड, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल में। अगला स्लॉट प्लग स्लॉट वेल्ड, इसका भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में आजकल प्रयोग होता है। जिसके बाद आता है स्पोर्ट वेल्ड, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। सेम ए वेल्ड, ये भी बहुत जरूरी है आने वाले कंडीशन में, जिसका आता है इंडेज ए वेल्ड एल्ड या सरफेसिंग फेसिंग, ये वेल्डिंग दोनों सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। इनका ज़्यादातर जहाँ पे पाइप का काम हो वहाँ पे एंडेसिक वेल्ड का सबसे ज़्यादा काम होता है, जहाँ पे सुपर एसिक वेल्ड ये भी बहुत